सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही दोस्तों मुझे कमेंट किया है, मैसेज किया है कि भाई आप जो अपना इस शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हो, लिरिक्स स्टेटस वीडियो को जो अपलोड करते हो, उस पर सॉन्ग को जो यूज करते हो, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम क्यों नहीं आता है। तो गाइस, इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा, वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। मैं इसे इजीली एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप मैं इसे बताने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो अपलोड करना सीख पाओगे, अपना शॉर्ट्स को अपलोड करना सीख पाओगे और उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और स्ट्राइक भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं इस सॉन्ग को कहाँ से ऐड करते हैं और वीडियो को कैसे अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपना YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद गाइस करना क्या है, यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ से अपलोड ए वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ से आपका डिवाइस का जो है गैलरी ओपन हो जाएगा। देन यहाँ से आपको एक के वीडियो को सिलेक्ट करना है, जिस वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हो, जिस शॉर्ट्स को आप अपलोड करना चाहते हो, उस शॉर्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। शॉर्ट पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आएगा। देन यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से गाइस देख सकते हैं आपको तीन चार ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। यहाँ से एक साउंड का ऑप्शन, टेक्स्ट का ऑप्शन, वॉइसर का ऑप्शन, टाइमलाइन का ऑप्शन, आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो या फिर आपको यहाँ से टेक्स्ट कुछ टाइप करना कर सकते हो। देन यहाँ से आपको करना है क्या, साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, जो आपका सॉन्ग है उस सॉन्ग को टाइप करना है। टाइप करने के बाद सर्च कर देना है। सर्च हो जाने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ से आपको ये जिस सॉन्ग को सर्च किए उस सॉन्ग यहाँ से शो करेगा। देन उस सॉन्ग पे क्लिक कीजिएगा, सॉन्ग प्ले हो जाएगा। देन यहाँ से इस एरो पे क्लिक कीजिएगा, इस सॉन्ग ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद गाइस आपको करना है क्या, ये तो पूरा सॉन्ग ऐड हो गया। देन यहाँ से जहाँ से आपका जो वीडियो शॉर्ट्स आप क्रिएट किए हैं ना, जहाँ से आपका लिरिक्स स्टार्ट होता है, वहाँ से इस सॉन्ग को सेट करना है। उसके लिए करना है क्या, इसे एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ से आपका सॉन्ग स्टार्ट होता है उसको सुन लेना है, वहाँ से आके इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है। जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से एडजस्ट कीजिएगा, जिस तरह से आपके वीडियो का सॉन्ग चलेगा उस पर यहाँ दोनों सॉन्ग मैच हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा लिरिक्स आगे चल रहा है या सॉन्ग पीछे चल रहा है, क्लियरली मैच हो जाएगा। यहाँ से आप करके देखना, इजीली मैच कर पाओगे। देन इसके बाद मैच हो जाने के बाद गैस करना है कि यहाँ से डन कर देना है। डन हो जाने के बाद गैस यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से विजिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से अनलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, बैक आ जाइएगा। देन इसके बाद गैस यहाँ से करना क्या, आपको अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक कर देना है, ये वीडियो आपका अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन यहाँ से जस्ट बैक आना है और यहाँ से एक अप्लीकेशन है YT स्टूडियो, इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये यूट्यूब का अपना एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देन डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद गाइस यहाँ से इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको शॉर्ट्स वाला सेक्शन पर जाना है और यहाँ से देख सकते हो आपका ये शॉर्ट्स आपका शो करेगा। देन शॉर्ट्स पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद गाइस करना है कि इस पेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से वीडियो की जो टाइटल है, शॉर्ट्स का टाइटल यहाँ से टाइप कर देना है, जो भी आपको टाइप करना है इस तरह से टाइप करना है। जिस कैटेगरी में आप जिस भी सॉन्ग से शॉर्ट को क्रिएट किए हैं उस सॉन्ग को डालना है, या तो किस तरह से आप शॉर्ट्स को बनाए उस तरह से डालना है। इस टाइटल को डायल यहाँ से टैप करना है। यहाँ से इसके बाद करना है कि ऐड डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से डिस्क्रिप्शन को डाल दीजिएगा। देन यहाँ से बैक आइएगा और यहाँ से आपको देख सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से टैग डाल दीजिएगा। टैग डालने के बाद गाइस करना क्या, इस वाले यहाँ से कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद गाइस करना क्या है, यहाँ से बैक आना है। आने के बाद गाइस आपको करना क्या है, ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से वापस विजिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से पब्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से बैक आना, यहाँ से ओके कर दीजिएगा। देख सकते हैं ये आपका वीडियो पब्लिक हो गया, कॉपीराइट नहीं आया, कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आया।
आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सीख पाए होंगे और इजीली स्टेप बाय स्टेप मैं इसे सिखाया हूँ। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अपलोड करना सीख पाओगे। और गाइस, आप भी इसी तरह से अपना शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हैं ताकि आपका शॉर्ट्स पे कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट नहीं आएगा। ये जो सॉन्ग आपका यूज हुआ है ना, ये यूट्यूब का सॉन्ग यूज हुआ है, इस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा ना कॉपीराइट आएगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि और भी मैं इस तरह का न्यू वीडियो लाऊंगा। और मैं ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाता हूँ, वीडियो एडिट कैसे किया जाता है, शॉर्ट्स कैसे बनाया जाता है, ये इस तरह का मैं वीडियो बनाने के लिए सिखाता हूँ। तो गाइस, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, इस पर मैं न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स कैसे एडिट किया जाता है, ट्यूटोरियल वीडियो कैसे बनाया जाता है, फुल स्क्रीन शॉट वीडियो कैसे बनाया जाता है, फोटो को HDR ब्लर कैसे किया जाता है, मैं सारा चीज़ का एडिटिंग करना सिखाता हूँ। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप वीडियो अपलोड करना सीख पाए होंगे। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।